चीका से लापता हुई युवती का जो 1 नवंबर को पंजाब के रामनगर से शव मिला था, उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके चाचा व चाची ने की थी। ये ऑनर किलिंग का मामला है। युवती एक लड़के से प्यार करती थी जो फिलहाल जेल में बताया जा रहा है। चीका पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाकर आरोपी चीका निवासी गोपाल व उसकी पत्नी सुमन को गिरफ्तार कर लिया है। चीका निवासी भूपेंद्र की शिकायत अनुसार 31 अक्टूबर को उसकी 18 वर्षीय पुत्री घर से बिना किसी को बताए कहीं चली गई, जिस बारे में गुमसुदगी का थाना चीका में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद उक्त युवती का शव 1 नवंबर को पंजाब के गाँव रामनगर सड़क किनारे से बरामद हुआ था। मामले में हत्या की धारा जोड़ते हुए आगामी जांच शुरू की गई। दोनों आरोपियों ने कबूल किया कि उन्होंने पीड़िता को पहले नींद की गोली खिलाकर उसके बाद जहरीली दवाई खिलाते हुए उसका गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद गाड़ी में उसके शव को पंजाब क्षेत्र में सड़क किनारे फेंका। दोनों आरोपी मृतक युवती के चाचा चाची है, जो मृतका का एक लड़के से प्रेम प्रसंग के चलते नाराज थे, इसी कारण उन्होंने उसकी हत्या कर दी। देखिए मर्डर की गुत्थी सुलझाने के बाद डीएसपी गुहला कुलदीप कुमार ने क्या बताया। 30 तारीख को अभी ये भूपेंद्र शर्मा ने थाने के अंदर 308 नंबर एफआईआर दर्ज कराई थी। उसकी लड़की वंदना घर से चली गई है, उन्होंने ये घर से चली गई है और पहले भी लड़की घर से चली गई, जिस संबंध में 253 नंबर मुकदमा दर्ज था उसमें एक आरोपी गिरफ्तार हो लिया था। तो उन्होंने ये कहा था भी बाकी आरोपी गिरफ्तार नहीं करे, लड़के का बाप वगैरह जिनकी पुलिस जांच कर रही है। उसके बाद आपको जैसे इलम है कि 1 तारीख को पंजाब के एरिया नए गाँव में सुबह हमारे को एक लड़की की लाश मिली जिसको घर वालों ने शिनाख्त किया, जो वंदना की थी। तो उन्होंने फिर इस संबंध में 302 की इसी केस को कन्वर्ट किया गया था और उसमें 302 लगाई थी। राजन वगैरह है और संजय बस्ती के हैं, हरपाल वगैरह और है काले वगैरह, 2-3 अन्यों पे। तो उस संबंध में हमने अपनी एक टीम बनाई जिसमें हमने थाना की पुलिस ली और CIA 2 जो है उससे सर अपने कैथल की है उसको भी साथ लिया गया। तो हमने इस संबंध में गहराई से जांच की, तो जिनके खिलाफ थी उनको भी शामिल जांच किया। तो उसमें हमारे पास नए तथ्य उभर कर सामने आए भी उनकी इसमें भूमिका नहीं है, परिवारजनों का हाथ है। तो जिस संबंध में हमने अपने जो अपना रिकॉर्ड कैमरे वगैरह हैं काफी दूर तक जहाँ घटना हुई जहाँ है वो सारे चेक किए, तो इसमें एक नया ही तथ्य उभर कर सामने आया जो कि एक ब्लाइंड मर्डर था हमारे CIA 2 की मेहनत से और थाने के मुलाजिमों के सहयोग से और जनता के सहयोग से हमने कैमरों की मदद से और इस केस में ट्रेस किया। तो ये पता चला ओनर किलिंग है जिसमें लड़की का चाचा गोपाल और उसकी चाची सुमन जो हमने देर रात इस संबंध में अरेस्ट कर लिया और उन्होंने अपना इस बात को कबूल किया है कि उन्होंने जो लड़की पीछे भागी थी उस चक्कर में उन्होंने इस लड़की को मारा है और उसको पटियाला की तरफ ले गए थे अपनी गाड़ी में लेके। उस समय हमारे पास पूरे इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ है और उसको पहले उसको नींद गोली दी, फिर सरपा दिया और फिर गला घोट के उसको मार दिया, जो उनकी बताई हुई बात की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस बात की होगी। और इसमें अन्य की क्या भूमिका है परिवारजनों की उस संबंध में हम गहराई से जांच कर रहे हैं। ये हमारी पुलिस ने एक ओनर किलिंग ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस किया है और इस संबंध में हमारी SP मैडम उपासना मैडम ने भी जिस टीम मेंबर CIA 2 ने और जिन मुलाजिमों ने योगदान दिया उनको उचित इनाम देने की घोषणा की।